नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर न्यू बस स्टैंड। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की ओर से काफ़ी समय पहले ये एक टिकट काउंटर बनाया गया था। यहां से बनाल रोड की गाड़ियाँ और रामनगर की गाड़ियों के लिए ये टिकट काउंटर बनाया गया था, लेकिन काफ़ी समय ये बंद रहा। इसका उद्घाटन भी किया गया DC उधमपुर द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं चल पाया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों यहाँ पर ये ऊपर लिखा गया मिनी बस स्टैंड, मिनी गाड़ियों के लिए मेटाडोर स्टैंड की बात कही जा रही है ये। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये सरकार का पैसा लगा हुआ था, लेकिन इसकी हालत आप देखें। बीती रात का या तो किसी के द्वारा तोड़ा गया है या किसी गाड़ी द्वारा इसे हिट किया गया है। लेकिन ये मैं फिर आपको बता दूँ कि दरवाज़ा इसका टूटा पड़ा है। सामने ये देखिए, ये भी पूरी तरह से तोड़ा गया है ये। लेकिन ये मैं फिर आपको बताता चलूं कि सरकारी पैसा इस पर लगा हुआ था, सरकार की ओर से इसे काउंटर को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे करतार जी आप? देखिए, ऐसा है कि ये न्यू बस स्टैंड में जो काउंटर जो बनाया हुआ था, काउंटर जो कि यहाँ पे एजेंट बैठते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है और ना तो यहाँ पे कोई ऑपरेटिव सिस्टम है, ना जहाँ से कोई एजेंट गाड़ियाँ रवाना करते हैं। हम प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ बनाई है, लाखों की चीज़ बनाई हुई है, आज किसी के काम नहीं आ रही है, बेकार हो रही है। अगर जो चीज़ बना रही है इस्तेमाल नहीं हो रही है, जो ये काउंटर बनाया हुआ टूटा हुआ है, और हम यही कहना चाहते हैं कि इसका पता लगाया जाए कि किस कौन सी गाड़ी वाले ने तोड़ा है, और ना ही ये काम कर रहा है, लाखों के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और ना ही यहाँ पे कोई बैठता है। हम कहना चाहते हैं कि इस काउंटर को सरकार की तरफ से जो जिन्होंने बनाया है म्यूनसिपैलिटी CEO की तरफ से, हम कहना चाहते हैं कि वो देखें, इस तरफ ध्यान दें और इस काउंटर को ऑपरेट करें, ताकि यहाँ पे एजेंट बैठ सकें और ये सिस्टम से चल सके, कोई दूसरी बार कोई ऐसा हादसा ना हो। देखिए, मैं फिर आपको बता दूँ कि ये सरकार की ओर से ये बनाया गया था, लेकिन अब भगवान का ये शुक्र है इसके अंदर रात के समय कोई सोया नहीं था। अगर सोया होता तो शायद वो नहीं बच पाता। लेकिन और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? सुबह में उठा, घर से बाहर निकला, हमारे घर के बाहर है, वार्ड नंबर 18 पड़ता है हमारा। ये आगे आके बाहर देखा मैंने, काउंटर टूटा हुआ था ये, मतलब पता नहीं गाड़ी ने तोड़ा हुआ है, हिट किया है किसी ने, चाहे किसी ने तोड़ा हुआ है, वो कोई पता नहीं है। लेकिन ये है तो गलत है, कल की हमारी दुकानें हैं यहाँ पे, कल की कोई बस आके हिट कर दे हमारी दुकानों को, अंदर सामान पड़ा हुआ है, दुकानों पे लोग सोते हैं, कोई मर जाए तो कौन जिम्मेदार है? क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये करते हैं इसकी कार्रवाई की जाए, इस पर एक्शन लिया जाए, ये किसने तोड़ा, यहाँ पे CC कैमरे लगाए जाएँ, तो यहाँ और भी CC कैमरे, उन्हें फुटेज देखी जाए कि ये किसने हिट किया हुआ है। थैंक यू। आपने देखा कि ये यहीं के रहने वाले थे, लेकिन इनका ये भी कहना था कि कई दुकानों पर यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उन्हें खंगाला जाए कि आखिर किसी के द्वारा तोड़ा गया है या गाड़ी द्वारा से हिट किया गया है। लेकिन इनका ये भी कहना था कि साथ ही और भी दुकानें बनी हुई हैं, गाड़ियां भी यहां पे खड़ी की जाती हैं, अगर किसी ने जानबूझ के ये तोड़ा गया तो इनकी दुकानों को भी तोड़ा जा सकता है, इनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इनके द्वारा एक ही डिमांड की जा रही है कि जाँच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि आखिर गाड़ी द्वारा हिट किया गया है या फिर किसी के द्वारा इसे तोड़ा गया है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।